ये लड़का आईपीएस बन गया है। और जनपद मैनपुरी के प्रतिभाशाली छात्र मोहित यादव ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा के बल पर घर परिवार समाज एवं जनपद का नाम रोशन किया है। देश की सर्वोच्च सम्मानित IAS कैडर की प्रतियोगिता UPSC परीक्षा में मोहित यादव ने सफलता प्राप्त की। सफलता हासिल करने के बाद प्रतिभाशाली छात्र मोहित यादव आज अपने घर कस्बा करहल पहुंचे, जहां कस्बा करहल के पीली कोठी पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधियों शिक्षाविदों ने प्रतिभाशाली छात्र मोहित यादव को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। बताते चले कि मोहित यादव ने UPSC परीक्षा में 691 रैंक हासिल की। वो करहल निवासी रविन्द्र यादव सहसारपुर वाले के भतीजे हैं। आज गणमान्य नागरिकों में पूर्व प्रधानाचार्य नरेश चंद्र भटेले, पूर्व सभासद योगेंद्र सिंह यादव, जुबेर अहमद, एडवोकेट राजीव यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह चौहान, बन्नाहल ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, जितेंद्र यादव, बंटू यादव आदि ने फूलमालाएं पहनाकर जीवन में प्रगति करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्रतिभाशाली छात्र मोहित यादव व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और जहाँ तक मोहित यादव की बात है जी, ये हमारा गौरव नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारी पूरी जात का, पूरे वर्ग का उन्होंने गौरव बढ़ाया। क्या सुभाषीष देकर के आज इस बच्चे को विदा कर रहे हैं यहाँ से? हैं, इस बच्चे को क्या सुभाषीष देकर के यहाँ से विदा कर रहे हैं? मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये अपने सबसे ऊपर पद पर पहुँचे, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, मेरा ये आशीर्वाद। छात्रों के लिए एक ही संदेश है मेरा कि आप बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, अगर आप बड़े सपने देखेंगे तो बड़े सपने हासिल भी होंगे। बस सपने देखना मत छोड़िए, बस सपनों के ऊपर जो है तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं जी, जितने भी लोग मुझसे जाने अनजाने में जुड़े रहे हैं इस सफलता इस मेरे तैयारी के दौरान, उन सभी का योगदान है। चाहे मैं पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के अध्यापक हों, मेरे घर वाले हों, या फिर मेरे कॉलेज के लोग हों, या फिर मेरे कॉलेज के बाद के लोग हों, सभी का कुछ ना कुछ योगदान है। तो कोई भी एक व्यक्ति के श्रेय से ये सारा काम नहीं हो सकता, बहुत लोगों का श्रेय है और मैं सभी का आभारी हूँ कि सबने उसने कुछ अमूल्य सीख दी है मुझे। तो ये सारा कुछ है और मेरी बस एक ही कहना है कि आप सब सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।